हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ये पिगॉन का फेवराइट इंडक्शन कुकटॉप है, ठीक है। और इसे देखेंगे इसका फीचर्स क्या क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। और ये फ्लिपकार्ट से आया है, अमेजन से भी आप ले सकते हैं। और आपको अगर इसको लेना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बताएंगे इसे कितने पैसे में मिलेगी और कितना में आता है, कितना में लेना चाहिए, सब आगे बताएंगे। और आप भी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। ये इसका मैनुअल है, इस पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे इसको यूज करते हैं। और ये वारंटी कागज़ भी है, इस पर आप अपना बिल नंबर, नाम, डेट सब लिख सकते हैं। और ये रहा हमारा इंडक्शन पिगॉन का। देखिए ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुश बटन है, ये यहाँ से ऑन होता है। अभी इसमें ऑन करके दिखाएंगे कैसे यूज करते हैं, सब बताएंगे क्या कैसे फीचर है, सब इसमें बताएंगे, देखते रहिए। इसमें लाइन दे दिए, ये हो गया। और इसमें थोड़ा सा पानी कर लेते हैं गरम, यहाँ से लाइन दिए, यहाँ से ऑन कर दिए, लाइट इसमें आ गया, आप देख सकते हैं। और इस पर कोई बर्तन नहीं रखा गया है इसलिए अभी काम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन तो हो गया पर ये अभी इरर बता रहा है। इरर इसलिए बता रहा है, इरर इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी इस पर कोई बर्तन नहीं रखा गया है, ठीक है ना। इंडक्शन टाइप का या इस पे स्टील बर्तन काम करता है, और कौन कौन बर्तन काम करता है, कौन कौन नहीं करता है, इसमें सब बताएंगे एक एक करके, ठीक है। और इसमें देखते हैं पहले इसमें दे दिया क्या है, इसमें बटन कौन सा दिया है। देखिए पीछे में यहाँ फैन दिया है, ये फैन रोटर तो है, अंदर कोयल है। और इसमें ये 230 वोल्ट चाहिए इसको, और ये 1800 वाट का है, ठीक है, पिंगोन का है। और ये कुकटॉप है, और यहाँ पर दिया हुआ टाइमर, यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कम बेसी करने के लिए दिया है प्लस माइनस। और यहाँ पर ड्राई के लिए, डीप ड्राई के लिए, या मिल्क हीट करने के लिए, करी बनाने के लिए, और प्रेशर कुकर के लिए, सब अलग अलग फिर इसमें बटन दिया गया है। और इसे एक एक यूज कर, एक एक को यूज करके बताएंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पहले ऑन करते हैं। ऑन करने बाद देखिए इसमें लाइन जा सकते हैं, लाइन आ गया इसमें। अब देखिए इंडिकेटर शो कर रहा है, मतलब लाइन आ गया है, अभी चालू नहीं हुआ है। चालू करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद देखिए इसमें इरर शो कर रहा है। इरर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पर कोई बर्तन नहीं रखा गया है, ठीक है। अब जैसे ही बर्तन रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए अगर ये बीप का जो आवाज़ निकल रहा है ये बंद हो जाएगा जैसे इसको रखेंगे, देखिएगा। देखिए जैसे इस पर रखें बीप का आवाज़ बंद होना और पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया, इसमें देख सकते हैं पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया, तुरंत खोलने लगेगा, ठीक है। देखिए ये खोलने लगेगा थोड़ा, अगर पावर बढ़ना है तो यहाँ प्लस पर टिप करेंगे तो देखिए पावर बढ़ता जा रहा है, ये पावर बढ़ता जा रहा है, ये देखिए ये इतना पावर बढ़ गया। और इसे कम करना होगा तो इधर यहाँ से हम कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको कम कर लेंगे, और कम करना और कम कर लेंगे। देखिए पानी खोल रहा है इतने ही पर, और कम कर सकते हैं, देखिए और ज़्यादा हीट होने में लाइन इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये 400 तो हो गया। और मान लीजिए हमको डीप ड्राई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डीप ड्राई हो गया। और मान लीजिए
डोसा वगैरह बना है, डोसा चपाती बनाना है तो एक बार और क्लिक कर देंगे, इसमें डोसा चपाती बनेगा। और इस पर कुछ कर लेंगे, इस पर हीट मिल्क करते हैं, मतलब मिल्क गर्म करना हो तो इस पर कर लेंगे। उसके बाद करी बनाना हो तो इस पर कर लेंगे। और उसके बाद और इसमें है प्रेशर कुकर बनाना होगा, तो सबसे लास्ट में प्रेशर कुकर के लिए है। और पानी देख रहे हैं अब कितना हीट हो गया है, ठीक है। और मान लीजिए मुझे वोल्टेज चेक करना है कि इसमें कितना वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है 207 वोल्ट अभी बता रहा है यहाँ पर, और एम्पियर भी बताता है पावर सोर्स कितना है। देखिए वोल्टेज बता रहा है, पावर सोर्स भी बताता है ये क्लिक करने पर। और मान लीजिए कि टाइम सेट करना होगा, तब इस यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 10 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा इसे प्लस माइनस कर बढ़ाकर कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। और टाइम सेट करना हो तो यहाँ से बढ़ा कर टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है, जितना मिनट करना होगा अपने हिसाब से। और मान लीजिए हमको बंद करना है तो इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और पूरा बंद करना है तो यहाँ से इस पर ऑफ वाला बटन पर बंद कर देंगे, ठीक है। और बंद करना होगा तो बटन से ही बंद करें, डायरेक्ट यहाँ पर स्विच ऑफ से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैन है उसको कूल करता है, अंदर कॉइल कूलिंग करता है। जब तक अपने आप कूलिंग हो जाएगा ये इंडक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक चल रहा तो चलने देना है, उसके बाद जब ये बंद हो जाएगा तब बंद करना है। और उसके बाद जब बंद होने के बाद इसको कुछ देर बाद ही इसको साफ सफाई पर में करना है, क्योंकि ये हीट रहता है, इसको टच कर इस पर लिखा हुआ है कि इस पर टच नहीं करना है यूज करने कुछ देर बाद तक, क्योंकि मे भी हो सकता हीट हो जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल हीट नहीं है, बहुत इसमें ठंड है, बिल्कुल एकदम ठंडा है, इसमें कोई हीट नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया, इसको ये बहुत ज़्यादा हीट छू नहीं सकता अभी, लेकिन इसमें ये बहुत ठंडा है, इसमें कोई हीट नहीं है अभी तक, एकदम नॉर्मल है, तो हीट होता नहीं है। और यही है। और आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आपको ये बाई करना होगा, खरीदना होगा तो आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप इसे 1250 या 1300 में परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।